मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर लाउड स्पीकर को लेकर सख्त हो गई है और एक्शन लेते हुए कार्रवाई कर रही है। सरकार की इस कार्रवाई पर भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि अदालत की गाइडलाइन में कहीं भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध की बात नहीं कही गई है। मध्य प्रदेश में इन दोनों ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। विधायक आरिफ मसूद ने इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा उसके जवाब में भी प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जा सकते हैं, लेकिन पुलिस एवं सीएम के आदेश के बाद मनमानी पर लोग उतर आए, जिससे आम जनता खासी परेशान है। इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस स्थिति को स्पष्ट करें, ताकि आम आदमी को होने वाली परेशानी से निजात मिल सके। मध्य प्रदेश में ध्वनि विस्तारक यंत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था और उन्होंने हवाला दिया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में कहीं प्रतिबंध शब्द नहीं, मुख्यमंत्री जी का जो लिखित आदेश है उसमें प्रतिबंध शब्द नहीं है। मैंने विधानसभा में ये सवाल उठाया, जो विभाग खुद स्वयं मुख्यमंत्री के पास है, उन्होंने मुझे लिखित में जवाब दिया है, उस पर भी प्रतिबंध शब्द का उपयोग नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने फिर से कहा है कि सारे लोगों को जहाँ जहाँ वायलेंस हो रहा हो उसको बंद कराओ। उस बंद कराने का पुलिस ये ले रही है कि तमाम जगह से टोटल प्रतिबंध कर रही है, जबकि टोटल प्रतिबंध का कहीं से नहीं है। मापदंड के अनुसार चलाने की अनुमति है, जिससे भ्रम फैल रहा है, और मुख्यमंत्री जी या तो स्पष्ट करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।